हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलने में आपको ज़रा सी भी देरी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, BNPM के 21 इंजीनियर एंड वर्कमैन पोस्ट के बारे में, जिसके लिए ऑफलाइन फॉर्म रहेंगे। लास्ट डेट रहेगी 10 दिसंबर। टोटल वैकेंसी इसके लिए 21 रहेंगी। BNPM बैंक नोट ऑफ प्रेस में इसके लिए जॉब रहेगी। लोकेशन ऑल इंडिया जॉब है ये, सरकारी नौकरी है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए BE, BTech, डिप्लोमा। ITI वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है या इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे इसके लिए लिंक मिलेगी। वहाँ पे जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे और इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट में अगर बात करें तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो रहेगी 15 नवंबर। 15 नवंबर को ये चालू होगा, 10 दिसंबर लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 600 रुपये रहेगी, SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए 200 रुपये रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो कैंडिडेट नीड टू ड्रॉ ए डिमांड इन द फेवर ऑफ BNPM रिक्रूटमेंट अकाउंट, पेएबल एट मैसूर रहेगी, इश्यूड बाय एनी नेशनलाइज्ड बैंक। ओके दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ के और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हम। दोस्तों, इसके लिए अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, इंजीनियर वर्कमैन की पोस्ट है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। जैसे कि देख सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर की है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन की है। इनके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। लाइक दोस्तों, एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए आपको चाहिए कैंडिडेट मस्ट है पास BE, BTech होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इन प्रोसेस इंडस्ट्री। इसके लिए 21 से 30 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे, 2 पोस्ट हैं इसके लिए। इंडस्ट्रियल वर्कमैन की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ स्विच यार्ड में। 18 से 25 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल वर्कमैन में अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है पास क्लास 10 पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड में, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट। इसमें 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इंडस्ट्रियल वर्कमैन में अगर बात करें तो एक और है ये पोस्ट, ये भी सेम ही है। ओके दोस्तों, इसके लिए भी 4 पोस्ट हैं, इसके लिए भी 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल वर्कमैन की एक और है पोस्ट, इसके लिए आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। ओके दोस्तों, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 18 से 25 साल वाले। ओके दोस्तों, इसके लिए 8 पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्रियल वर्कमैन ड्राइवर कम लॉजिस्टिक अटेंडेंट की। इसके लिए अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है पास क्लास 10 पास होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMB एंड हैविंग 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग का। 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इसके लिए पोस्ट रहेंगी 2। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ के और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर इसके लिए हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पर होगा। दोस्तों, ये बात हुई इसकी वैकेंसी की। अब बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे और इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।